इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं और कई सारी यूनियन टेरिटरीज भी, और दोनों को काफी अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है। तो ऐसा क्यों है और क्यों यूनियन टेरिटरीज को स्थापित किया गया, यही चीज आज हम जानेंगे। जिनको नहीं पता यूनियन टेरिटरी क्या होती है, तो वो देश के कुछ ऐसे एरियाज या रीजन है जिन पर उसके पास वाले स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें संभाला जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल चीजें हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें या फिर लेजिस्लेटिव। और इसीलिए ये काफी अलग तरीके से चलाई जाती है अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो। अब समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। आजादी के पहले भारत कई सारे लोकल पावर्स के द्वारा डोमिनेटेड हुआ करता था। कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, कई सारे दूसरे कंट्रीज के द्वारा ओन्ड रीजन्स थे जो देश पर कई सौ साल पहले कब्जा कर चुके थे। और जब इंडिया आजाद हुआ उस टाइम पर एक पूरा का पूरा सेटल्ड मैप इंडिया के पास में नहीं था, स्पेशली अगर हम स्टेट्स, उस स्टेट्स का नाम क्या है, कौन से स्टेट की पावर किसके पास में होगी, ये सारी चीजें डिटरमाइंड नहीं थी। इसके अलावा भी लोकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन हुआ करते थे और देश को ठीक से प्रॉपरली चलाने के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल मैप होना बहुत जरूरी था। बेहतर तरीके के डिविजन हमें बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए उस समय के हमारे लीडर्स ने कई सारे स्टेट्स को समझाते हुए इंटरनल छोटे मोटे झगड़े खत्म करते हुए उन्हें एक साथ ले आए, उन्हें यूनाइट किया और ऐसे ही कई सारे स्टेट्स बने जो आज हम हमारे मैप में देखते हैं। वैसे ये जो स्टेट्स का डिवीजन है ये कभी खत्म नहीं हो पाया। टाइम बाय टाइम चाहे प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो गए, राजा महाराजाओं का रूल जो लोकल लेवल पे था वो तो खत्म हो गया, वो सारे इंडियन रिपब्लिक का भाग तो बन गए, लेकिन फिर भी कई सारे स्टेट्स में कुछ और रीजंस की वजह से भी दिक्कतें आने लगी और पिछले 10 साल में भी हमने स्टेट्स के अंदर भी सेपरेशन होते हुए देखे हैं। अब जब इन स्टेट्स को बनाया जा रहा था उस टाइम पे कुछ चीजें ध्यान में रखी गई थी जिनके बेसिस पर उनके टुकड़े बनाए जाए। यहाँ पर अगर सबसे मेजर रीजन की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई थी, इसके बाद में कल्चरल और हिस्टोरिक बैकग्राउंड्स, पुरानी बॉर्डर्स, किस तरीके के रिलेशन उनके नेबर के साथ में है, ये सारी चीजों को देखते हुए ग्रुप्स बनाए गए थे जो आगे जाकर स्टेट्स बने। लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसे छोटे एरियाज छूट गए जो स्टेट बनने के डिसीजन के लिए सही नहीं थे, क्योंकि या तो वो साइज में इतने छोटे थे कि वो इंडिपेंडेंटली खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे, जबकि कल्चरली लिंग्विस्टिकली अपने पास वाले रीजन से इतने डिफरेंट थे कि उन्हें उस स्टेट का भाग भी बनाया नहीं जा सकता था, और इंटरनल स्क्रैबलिंग न हो इसलिए उन्हें सेपरेट छोड़ दिया गया। इसके अलावा भारत के अंदर कुछ ऐसे हिस्से भी थे जो आजादी होने के बावजूद दूसरे देशों के द्वारा कंट्रोल हुआ करते थे, और ये जो छोटे कुछ रीजन थे जिन पर स्टेट बनाने का डिसीजन नहीं हो पाया वो 1951 तक ना स्टेट रहे ना यूनियन टेरिटरीज, और बाद में बाय टाइम मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करते हुए, डिप्लोमेटिक टाइज को इस्तेमाल करते हुए इन्हें भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया, और 1955 के बाद में इन रीजन्स को ऑफिशियली एज यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया और फाइनली ये प्रॉपरली इंडिया का हिस्सा बन गए। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो दीव दमन और गोवा पहले पोर्चुगल रूल के अंडर हुआ करते थे, आजादी के बाद में भी 1961 में मिलिट्री के द्वारा इन तीनों जगहों को इंडिया का भाग बनाया गया, पोर्चुगीज रूल को वहां से हटाया गया और वो रिपब्लिक का भाग बन गए। लेकिन ये तीनों रीजन चाहे वो गोवा हो, दीव या दमन, ये 450 से भी ज्यादा साल से पोर्चुगीज रूल के अंदर होने की वजह से कल्चरली उनके नेबर से अलग थे, क्योंकि पहली स्टेट्स बन चुके थे तो उनका हिस्सा इन्हें बनाना सही नहीं था। और इसके अलावा ये तीनों जगह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं थी कि अगर स्टेट बन जाए तो अपनी ही पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर पाए, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। बाद में साल 1987 में गोवा इतना इंडिपेंडेंट बन गया था कि खुद को एज अ स्टेट वो कंट्रोल कर सकता था। इसकी साइज भी कंपैरेटिवली दीव दमन दादरा नगर हवेली से बड़ी थी, इसलिए इसे स्टेटहुड दे दिया गया, और ये उस टाइम पे हमारे देश का पहली यूनियन टेरिटरी बनी जिसे स्टेटहुड भी दिया गया था। इसके अलावा पुदुचेरी भी एक ऐसी यूनिक यूनियन टेरिटरी है जो चार अलग अलग जियोग्राफिकल टुकड़ों में इंडिया के अलग अलग भागों में फैली है, लेकिन फिर भी इसे एज अ होल कंसिडर किया जाता है। पुदुचेरी के जो रीजन है यहाँ पर पहले फ्रेंच रूल हुआ करता था, लेकिन साल 1954 में इंडिया ने फिर से फ्रेंच के हाथों से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और फिर से सेम समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। पुदुचेरी के जितने चारों ये टुकड़े थे वहां का कल्चरल एटमॉस्फेयर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके नेबर्स के साथ में उनके हिस्टोरिकल रिलेशंस, ये अच्छे न होने के कारण या आप कह सकते हो स्टेबल न होने के कारण इन्हें एज एन यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और ऐसे ही ये सेपरेट हो गए। ज्यादातर यूनियन टेरिटरी जो बनी उनके पीछे तो यही रीजंस थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रीजंस की वजह से यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली थोड़ी अलग है क्योंकि ये हमारे देश का कैपिटल है,
पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, तो किसी एक स्टेट को दिल्ली की पावर दे देने की वजह से इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, स्पेशली पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो। इसलिए दिल्ली को सेपरेट ही रखा गया और किसी भी स्टेट का भाग आज दिल्ली नहीं है। चंडीगढ़ को एज अ आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया गया था दो स्टेट्स के लिए, इसलिए किसी भी एक स्टेट का भाग होना इसके लिए भी सही नहीं था और इसलिए चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी बना। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर जैसा हम जानते हैं कि लंबे समय से चलते आ रहे कुछ रूल्स और कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते इसे डायरेक्टली स्टेटहुड देना गवर्नमेंट ने सही नहीं समझा और बाद में इन्हें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो ये कल्चरली हिस्टोरिकली वैसे भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली रख रहे थे, लेकिन एज एन ओवरऑल इंडिया में जिस तरीके से स्टेट फंक्शन करते थे उस हिसाब से ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं थे, इसलिए इन्हें भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिकली अगर इन कंक्लूजन कहे तो ऐसी जगह जहां पर स्टेट बनाना सही नहीं होगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, कल्चरली हो, हिस्टोरिकली हो, तो उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है ताकि स्टेट बनने के बाद में दिक्कतें ना आए और डायरेक्टली उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके बाद में देखा जाता है। अगर हमारे देश के कुछ लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो साल 2020 में दादरा नगर हवेली और दीव दमन इन सेपरेट यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक कंप्लीट सिंगल यूनिट बनाई गई। इसके अलावा 2019 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले डिक्लेरेशन तो आपको पता ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।